दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सो द विंडो वॉज बॉर्न। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। सो का मतलब होता है इस तरह। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सो द विंडो वॉज बॉर्न, मतलब इस तरह, या कह सकते हैं इस प्रकार खिड़की का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो अ किंग गॉट अ ह्यूज हॉल कंस्ट्रक्टेड टू सर्व एज हिज कोर्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये थोड़ा अलग तरह का सेंटेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये इस तरह का वाक्य है, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि कोई काम हम स्वयं नहीं करते हैं बल्कि वो काम किसी और से करवाते हैं, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और आप इसको नोट कर सकते हैं, जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये शो करना चाहते हैं कि किसी भी काम को किसी और व्यक्ति से करवाया जाता है, तो वहाँ पर गेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है कंस्ट्रक्टेड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग अगो मतलब कि बहुत पहले अ किंग, एक राजा, गॉट अ ह्यूज हॉल कंस्ट्रक्टेड, जो एक राजा थे उन्होंने एक ह्यूज मतलब एक बड़ा, या कह सकते हैं विशाल, हॉल कंस्ट्रक्टेड, एक बड़े विशाल मतलब कि विशाल एक हॉल को कंस्ट्रक्ट मतलब कि बनवाया। टू सर्व एज हिज कोर्ट मतलब कि उसको सर्व करने के लिए, मतलब कि उसको सेवा देने के लिए, एज हिज कोर्ट अपने दरबार के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लॉन्ग अगो अ किंग गॉट अ ह्यूज हॉल कंस्ट्रक्टेड टू सर्व एज हिज कोर्ट, मतलब कि बहुत पहले एक राजा ने एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया टू सर्व एज हिज कोर्ट। और वो क्यों बनवाया? ताकि वो उनके दरबार के रूप में उसकी वो उसको सेवा दे। आगे देखिए, देयर वर नो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स इन इट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जब हम सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वहाँ पर वर का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाउन और एडजेक्टिव को, नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। विंडो का मतलब होता है खिड़की, और वेंटिलेटर का मतलब होता है किसी भी तरह का रोशनदान, झरोखा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि देयर वर नो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स इन इट, मतलब कि उसके अंदर कोई भी खिड़की या फिर रोशनदान नहीं था। चलिए आगे देखिए, ही सैड टू हिज मिनिस्टर देयर इज़ नो लाइट, इट बिकम्स डार्क वैन द डोर इज़ क्लोज्ड। क्या मतलब हुआ? ही सैड टू हिज मिनिस्टर मतलब कि उन्होंने अपने मंत्री से कहा, देयर इज़ नो लाइट। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, और सिंपल पास्ट के अलावा यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि इस वाक्य में देयर का प्रयोग पहले किया गया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर देयर का प्रयोग शुरू में किया जाता है, तो वहाँ पर देयर का कोई भी अलग से मीनिंग नहीं निकाली जाती है, उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। देयर का प्रयोग सिर्फ वाक्य को बनाने में होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नो लाइट मतलब कि कोई भी प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है। इट बिकम्स डार्क, इट बिकम्स डार्क मतलब कि अंधेरा हो जाता है। वैन द डोर इज़ क्लोज्ड, जब दरवाजे को बंद किया जाता है। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी अच्छे से समझ आई गई होगी कि बहुत पहले एक राजा थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा एक कमरा हॉल मतलब एक बहुत बड़ा कमरा उन्होंने बनवाया किस चीज़ के लिए, टू सर्व एज इज कोर्ट, कि वो और वो कमरे का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो एक तरह से जो उनके दरबार के रूप में वो सेवा देगा। देयर वर नो विंडोज़ और वेंटिलेटर्स इन इट, और लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह के खिड़कियाँ या फिर रोशनदान नहीं थे। और उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि देर इज़ नो लाइट, की मतलब कि देर इज़ नो लाइट, कोई भी उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है। इट बिकम्स डार्क व्हेन द डोर इज़ क्लोज्ड, और जब दरवाजे को बंद किया जाता है तो अंधेरा हो जाता है। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर अश्योर्ड, अश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का आश्वासन देना, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है द मिनिस्टर अश्योर्ड, जो मंत्री थे उन्होंने आश्वासन दिया। वी विल डू समथिंग अबाउट इट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्यूचर इंडेफिनेट का मतलब होता है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर गागेगी जैसे शब्द आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, वी विल डू समथिंग अबाउट इट, मतलब हम इस बारे में कुछ करेंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द मिनिस्टर अश्योर्ड वी विल डू समथिंग अबाउट इट, मतलब मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इस बारे में या हम इस चीज़ को लेकर हम इस चीज़ के बारे में कुछ करेंगे। ही ऑर्डर्ड द कोर्टियर्स टेक फिस्टफुल्स ऑफ डार्कनेस आउट एंड ब्रिंग इन हैंडफुल्स ऑफ लाइट, सनलाइट, क्या मतलब हुआ। ही ordered द कोर्टियर्स, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और कोर्टियर मतलब दरबारी, और दोस्तों ये प्लूरल नाउन है कोर्टियर्स, तो एक से अधिक दरबारी हैं, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही ordered द कोर्टियर्स, मतलब उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टेक फिस्टफुल्स ऑफ डार्कनेस आउट, टेक आउट का मतलब होता है बाहर ले जाना, और फिस्टफुल मतलब मुट्ठी भर, तो उन्होंने क्या आदेश दिया, टेक फिस्टफुल्स ऑफ डार्कनेस आउट, मतलब मुट्ठी भर या मुट्ठी भर के अंधेरे को बाहर ले जाओ, एंड ब्रिंग इन हैंडफुल्स ऑफ सनलाइट, और मुट्ठी भर जो सनलाइट है मतलब जो सूरज का जो प्रकाश है उसको अंदर ले आओ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि मुट्ठी भर अंधेरे को बाहर ले जाओ, और मुट्ठी भर जो उजाला है उसको, जो उजाला है मतलब कि जो सूरज की रोशनी है उसको अंदर ले आओ। चलिए आगे देखिए। बट दैट एक्ट मेड नो डिफरेंस, क्या मतलब हुआ, बट दैट एक्ट, एक्ट का मतलब वो काम या फिर कृत्य, बट दैट एक्ट मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस काम ने कोई भी डिफरेंस मतलब कि किसी भी तरह का, बट दैट एक्ट मेड नो डिफरेंस, क्या मतलब हुआ, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट दैट एक्ट मेड नो डिफरेंस, लेकिन इस काम से कोई भी फ़र्क नहीं दिखा, कोई भी फ़र्क नहीं दिखा, या कह सकते हैं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। आगे देखिए। आ कोर्टियर सजेस्टेड, सर लेट्स ब्रिंग डाउन द रूफ, और ब्रिंग डाउन का मतलब होता है नीचे लाना किसी चीज़ को। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अ कोर्टियर सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, और ये सेकंड फॉर्म है, अ कोर्टियर सजेस्टेड, मतलब एक दरबारी ने सुझाव दिया, सर लेट्स ब्रिंग डाउन द रूफ, कि श्रीमान की हम ये जो रूफ है, रूफ मतलब होता है छत, उसको नीचे ले आते हैं। लेट्स, सर लेट्स ब्रिंग डाउन द रूफ, मतलब कि श्रीमान जो छत है हम उसको नीचे ले आते हैं। आफ्टर द कोर्ट सेशन वी शैल पुट इट बैक अप देयर, क्या मतलब हुआ, सेशन का मतलब होता है कोई सत्र, बैठक वगैरह, तो उसने क्या कहा कि आफ्टर द कोर्ट सेशन मतलब कि जो दरबार की बैठक के बाद, वी शैल पुट इट बैक अप देयर, हम उसे वापस वहाँ वापस रख देंगे, वापस लगा देंगे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो एक दरबारी था उसने सजेशन दिया कि श्रीमान की हम जो छत है उसको नीचे ले आते हैं, ब्रिंग डाउन द रूफ। After the court session, we shall put it back up there. मतलब कि दरबार के इस सदन के बाद, ये कहते हैं दरबार की बैठक के बाद, हम इसे वापस उसी जगह लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। But one day when the court was in session, it rained heavily. क्या मतलब हुआ?
बट वन डे, लेकिन एक दिन, वैन जब द कोर्ट दरबार वॉज इन सेशन, मतलब कि जब दरबार का दरबार जो था वो बैठक में था, मतलब अपने सत्र में था, इट रेन्ड हैविली, ये रेन की सेकेंड फॉर्म में बारिश होना, इट रेन्ड हैविली, बहुत भारी बारिश हुई। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेकिन एक दिन जब जो दरबार था वो अपने सत्र में था, मतलब कि अपनी बैठक के दौर में था, इट रेन्ड हैविली, बहुत तेज़ की बारिश हुई, द कोर्ट हॉल गॉट फ्लडेड, और ये जो दरबार का जो हॉल था गॉट फ्लडेड, वहाँ पर बाढ़ आ गई। चलिए आगे देखिए, द रूफ़ वॉज क्विकली फिटेड टू इट्स प्रॉपर प्लेस, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और फिट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिट करना, लगाना उस चीज़ को। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द रूफ़ वॉज क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, एडवर्ब है क्विकली, फिटेड टू इट्स प्रॉपर प्लेस, जो छत थी उसको जल्दी से उसकी जो प्रॉपर प्लेस था, जो उसका एक मतलब एक जो उसका सही जो स्थान था उसको वहाँ पर फिट कर दिया गया, लगा दिया गया। चलिए आगे देखिए, द किंग हैपन्ड टू सी अ होल इन द वॉल थ्रू विच द सनलाइट वॉज बीमिंग इन, क्या मतलब हुआ, द किंग हैपन टू सी। दोस्तों इस वाक्य में हैपन का प्रयोग किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि कोई क्रिया जब होती है और वो उस क्रिया का किसी उस क्रिया को कर की जाने का कोई भी इरादा नहीं होता है या फिर कोई भी योजना नहीं होती है, वो आकस्मक होती है, अचानक हो जाती है, अपने आप होती है, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हैपन का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग हैपन टू सी अ होल, मतलब जो राजा थे उनका एक छेद को देखना हुआ, इन द वॉल दीवार में, थ्रू विच मतलब जिसके माध्यम से, द सनलाइट वॉज बीमिंग इन, जो सनलाइट थी, जो सूरज की रोशनी थी, वॉज बीमिंग इन, वो चमक रही थी, मतलब अंदर चमक रही थी, बीम का मतलब चमकना। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे उनका अचानक एक छेद को देखना हुआ कि जिसमें से इन द वॉल, मतलब जो वो छेद कहाँ था, वॉल में था, दीवार में था, थ्रू विच द सनलाइट वॉज बीमिंग इन, मतलब जिसके माध्यम से जो सूरज का जो प्रकाश था वो अंदर चमक रहा था। चलिए आगे देखिए, ही सेड टू द मिनिस्टर, उन्होंने मंत्री से कहा, दैट्स इट मतलब कि, दैट्स इट मतलब कि यही है वो, मेक बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर होल्स इन द वॉल्स, क्या मतलब हुआ, मेक मतलब बनाना, मेक बिग स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब था वर्गाकार की, मतलब कि मेक बिग स्क्वायर मतलब कि बड़े वर्गाकार बनाओ, वर्ग बनाओ, एंड रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयतकार, आयतकार बनाओ, होल्स मतलब कि आयतकार छेद बनाओ इन द वॉल्स दीवारों में, द रूफ विल स्टे वेयर इट इज़, और ये जो छत है ये वहीं रहेगी, वेयर इट इज़ जहाँ पर वो है, दस इस प्रकार विंडो वॉज बॉर्न, इस प्रकार जो खिड़की है उसका जन्म हुआ। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं, और जो इस कहानी का मॉरल है बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा और काम का मॉरल है, देख लीजिए उसको, नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या मतलब हुआ। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, नेसेसिटी एक नाउन है जिसका मतलब होता है आवश्यकता, आवश्यकता क्या, आवश्यकता, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, इज़ दी मदर, मदर मतलब माँ, ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। तो दोस्तों आप इस मॉरल का अर्थ समझ ही गए होंगे कि जब व्यक्ति को किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के हिसाब से आविष्कार अपने आप ही हो जाता है, तो जिसलिए कहा गया है कि नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आज की इस वीडियो में आपने कोई नया वर्ड सीखा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।